धन की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद के अंदर माता लक्ष्मी को प्राप्त करने और प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ दिया गया है जो अति लाभकारी है। इसके श्रवण मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। श्री श्री सूक्तम ओम हिरण्यवर्णा हिरण्यम स्वर्ण रजत सर्जाम चंद्रमाम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जात वेदो मैं आवहम। अर्थात हे जात वेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृतांतों को जानने वाले तथा बताने वाले हैं। अतः स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान ध्वल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदस्य प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, या हिरण्य में ही जिनका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। ओम तामयावहम जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनिम यस्याम हिरण्य विंद्यम गावम पुष्युर पुरुषनाम। अर्थात हे जात वेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ जिनके आह्वान करने पर मैं स्वर्ण गो अश्व और पुत्र पोत आदि को प्राप्त करूं। अश्व पूर्वा रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपे श्री मार्य देवी जुष्टाम। अर्थात जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य भाग में रथ है अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे। काम सोस्मिताम हिण्य प्रक्राम माद्राम ज्वरंतीम तृप्त्याम त्रिपयंतीम पद्मे स्थिताम पदम वर्णा तामिहोप व्ययम श्रीम। अर्थात जिनका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णीय है तथा जो मंद हास्य युक्ता हैं, जो चारों ओर स्वर्ण से ओतप्रोत हैं एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से प्रतिभूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी दीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान कमल के सदस्य वर्ण ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्राम प्रभासाम यश्याम ज्वलंतीम श्रियम लोके देवजुष्टाम उदाराम तामम पग्निमिम शरणम प्रपद्य अलक्ष्मी मार्य निश्चताम त्वा वर्णोमी। अर्थात चंद्रमा के समान प्रकाश वाली प्रकृत कांति वाली अपनी कीर्ति से दीप्यमान स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवों से पूजित अत्यंत दानशीला कमल के मध्य में रहने वाली सभी की रक्षा करने वाली एवं आशयदाती जगदिख्याता उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्थ विश्रुत्य बिल्व तस्य फलानि तपसानुदंतु माया अंतरा याशा ब्रा अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली माया, आपके तेजों में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ तदांतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे ब्राह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपैतुम माम देवसखा कीर्तिश्चा मणिना सह प्रदुभूतोऽस्मिन् राष्ट्रस्मिन् कीर्ति समृद्धिम ददातु मे। अर्थात हे लक्ष्मी, देवसखा अर्थात श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला का यश मुझे प्राप्त हो अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हों। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे ईश्वर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। अक्षुत पाप सामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाशमम
अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्गुणाम में गहताम, अर्थात भूख और प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठा भगनी लक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से ऐश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गंध द्वाराम दुरादर्श्याम नित्यपुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपव्यंशीम, अर्थात सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गो अश्वादी पशुओं की समृद्धि देने वाली समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। मनसः कामाकुर्तिम वाच सत्यमसीमहि पशुनाम रूपमंतस्य मयि श्रिय श्वेताम यस्यः, अर्थात हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता गो आदि पशुओं के रूप में अर्थात दुग्ध दत्यादि एवं यव्य ब्रह्म आदि एवं अन्यों के रूप में अर्थात भक्ष्य भोज्य चोश्चलेह चतुर्वेद भोज्य पदार्थ इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय लें अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमम जयम वास्य मे कुले मातराम पदम मालिनीम, अर्थात कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ठ पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नाम नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। आप है सजंतुम स्किधानि चिक्लित्वस मे गृह नीच देवीम मातराम श्यम वास्य मे कुले, अर्थात जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई उसी प्रकार कल्पांतर में ही समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें, पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद कर्दम चिकलित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्व आश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आद्र पुष्कर्णिम पुष्टिम पिंगलाम पगमालिनीम चंद्रमा मृण्यमयी लक्ष्मीम जात वेदो मैं आवाहम, हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्कर्णी अर्थात दिग्गजो हाथियों के शुंडाग्रह से अभिषच्यमान आद्र शरीर वाली पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। आद्र पुष्कर्णिम आद्र यशकर्णिम यष्टिम स्वर्णाम हेममालिनीम सूर्याम लक्ष्मी हिण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मैं आवाहम, अर्थात हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्दचित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अविलंबिना, सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष नहीं चल सकता उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि के द्वारा जगत का पालन पोषण करता है उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। तामम मैं आवाहम जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनिम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दासश्वान विंद्यम पुरुषानहम, अर्थात हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगदिख्याता लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण उत्तम ऐश्वर्य गोदासी घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूँ अर्थात स्त्री लक्ष्मी को प्राप्त करूँ। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जूयादज्य मन्वयम सुक्त्यम पंचजर्ष जय श्री काम है सस्स जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो वह पवित्र और सावधान होकर
प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। इति श्री सूक्तम समाप्तम। माता लक्ष्मी की जय हो। जय हो माता लक्ष्मी की जय।